जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल शाम में 6 बजे कि हमारे आर्मर पुलिस का एक बस जा रहा था जिसमें 25 जवान बैठे हुए थे। जब कैंप के नजदीक पहुंचा था, कैंप से 300 मीटर पहले अंधेरा हो चुका था। 3 टेररिस्ट जैश मोहम्मद का, जिसमें 2 फॉरनर था, एक लोकल टेररिस्ट था, अंधाधुंध फायरिंग किया, जिसमें हमारे 14 जवान जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल ले गए और 2 हॉस्पिटल में मार्टिरियम को प्राप्त किए, एक आज अर्ली मॉर्निंग मार्टिरियम को प्राप्त किए। इस सब टोटल 3 शहीद हो गए, बाकी आउट ऑफ डेंजर है। ये जैश मोहम्मद ने खुद भी क्लेम किया, जैश मोहम्मद का टेररिस्ट इन्वॉल्व है। हमारे जवानों ने काफ़ी फायरिंग किया था जिसमें एक आतंकवादी जख्मी हुआ है, उसका ब्लड स्पॉट काफ़ी दूर तक देखा गया है। ये क्रू से पंपर और त्राल तरफ भागने में कामयाब हो गया, उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जवानों ने इतना अच्छा, उनका मकसद था कि अटैक करके वेपन स्नैचिंग करने का, और हमारे जवान ने रिटेलिएशन बहुत अच्छा से किया, एक वेपन स्नैचिंग नहीं हो पाया। टेररिस्ट में 2 फॉरनर था, एक लोकल था। हम सब जानते हैं कि उस रोड पर जब गाड़ी हमारी जा रही थी तब तक आरपी विड्रॉ हो चुकी थी, अंधेरा था और वहाँ पर कोई लाइटिंग अरेंजमेंट भी रोड पर नहीं था। तो जितना हम लोग प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं, लाइटिंग अरेंजमेंट भी कराएंगे, आरपी को एक्सटेंड करेंगे और हम लोग कुछ उसमें बीपी व्हीकल प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल ये प्लांट अटैक था। और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि उनको रेकी कर रहा है, पहले से रेकी किया होगा, ये देखता होगा कि रूटीन में बस डेली ड्यूटी करके ऑफ होने के बाद सामने आती है कैंप में, ये डेली रूटीन वर्क में बस आती है जाती थी। और हम लोग को इनपुट बहुत मिला है, उसको फर्दर डेवलप कर रहे हैं और इस ग्रुप को जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे।